दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले में बीआरसी एमएलसी के कविता को 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं। उन्हें शुक्रवार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। उन्हें दिल्ली लाकर आज शनिवार को कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने ईडी की के कविता की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड मंजूर की। ईडी ने शुक्रवार सुबह के कविता के हैदराबाद स्थित आवास पर छापा मारा था। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दिल्ली की अदालत में पेश किए जाने पर बीआरसी नेता के कविता ने कहा, मेरी गिरफ्तारी अवैध है, हम इसे अदालत में लड़ेंगे। कविता को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में पेश किया गया है। कविता के वकील ने कोर्ट से कहा कि गिरफ्तारी की लिखित आधार पर मुझे आपत्ति है, मुझे उसे पढ़ने की अनुमति दी जाए। कविता के वकील विक्रम चौधरी ने कविता से बात करने के लिए 5 मिनट का समय मांगा, जिसकी अनुमति दे दी गई। ईडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि कविता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये गिरफ्तारी गैर कानूनी और शक्ति का दुरुपयोग है। के कविता के वकील ने ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो वकील को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि कविता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये गिरफ्तारी गैर कानूनी और शक्ति का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि ईडी की पूरी कार्रवाई ही गलत है। उन्होंने कहा ये गिरफ्तारी के कविता को परेशान करने के लिए की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि 3 जनवरी को के कविता को समन मिला था, जिसका जवाब उक्त अधिकारी को दे दिया गया था। के कविता के वकील ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया। कविता ने कहा कि कोर्ट में अंडरटेकिंग देने का मतलब ये होता है कि अंडरटेकिंग के जरिए उक्त अधिकारी बाध्य रहेगा। इस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कविता की गिरफ्तारी पर रोक हटाने की मांग की, लेकिन इसकी इजाज़त कोर्ट ने नहीं दी। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कुछ ही घंटे बाद कविता के घर पर सर्च अभियान चलाया गया और शाम 5:20 पर गिरफ्तारी की सूचना दी गई। के कविता के वकील के बाद ईडी के वकील ने दलील देनी शुरू की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है कि हम कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। ईडी ने कहा कि रिश्वत लेने में से एक इंडो स्प्रिट्स था। हमारे पास विश्वसनीय बयान है जिसके मुताबिक मुनाफे का 33% मैडम को जाना था। ईडी ने कहा कि जब हमने उनसे पूछा कि मैडम कौन है तो उन्होंने पुष्टि की कि मैडम वर्तमान में आरोपी के कविता हैं। के कविता के घर पर तलाशी के दौरान करीब 20 लोग अंदर घुस आए। अब देखना ये है कि आने वाले दिन में क्या के कविता की मुश्किलें कम होंगी या उन्हें भी आपके बड़े नेताओं की तरह सलाखों के पीछे रहना होगा।